हमेशा अगर वो स्क्वायर रूट है तो डेसिमल हमेशा इवन प्लेस पे लगा हुआ, 2 पे लगा हुआ, 4 पे लगेगा, 6 पे लगा हुआ, मतलब इवन प्लेस पे ही लगा हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक, कभी भी आप इसको देख लेना। एक था हमारा 4, पहला क्वेश्चन है 4, 5, 5, 6, 2, 5। ठीक है, ये लिखा तो भाई वही हमारा मेथड, सॉरी वही मेथड हमारा। क्या करेंगे हम, वही नंबर लिख ले रहे, 4, 5, 5, 6, 2। इसको हमें कुछ नहीं करना, यहाँ गलत कह दिया। पॉइंट हमारे इवन नंबर 2 के बाद वो हमारा 1 के बाद आ जाएगा। आप देखते हो अब जो मैं सेंड करता हूँ ग्रुप पैसे, बिल्कुल सेंड कर दो पॉइंट को। यहाँ देखो पेयर बनाओ, 1, 2, 3 पेयर बने। तो पहला पेयर में कितने का आता हमारा, एक ऐसा है 36, 6, 36। ट्वेल्व माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 9 बचेगा, 56। ये वाला पूरा पेयर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ लास्ट वाला नंबर है जो पूरा पूरा कट जाए। देखो पहले हम करते हैं 3 का 3, 3 का 9, 3 2 6 और 3 1 3, यानी कि थोड़ा। तो ये करीब कितने बार जाएगा हमारा, 7 बार करके देखते हैं। 7, 7, 49, 14, 4, 18, 4, 7 और 7 7 और 1 8, याद रहेगा। आप इससे ज़्यादा करोगे तो एक बार इसको भी देख लेते करके देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको भी देख लेते, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर देखो ये 64 हो जाएगा, 64, 64, 12, तो वैसे भी ये ऊपर जा रहा, तो ये नहीं करेंगे, हमेशा उससे कम ही रखेंगे। तो 8, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमें पता चल जाएगा। 7 बार, 7 बार, 7 बार। ठीक है, इसे माइनस करोगे तो हमारा 7। ठीक है, और ये हमारा कितना बचेगा, 14 और ये 6, इतना बचा। ठीक है, नींद आ रही, रात हो गई। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, हमारा ये वाला हमारा यहाँ आएगा। अब हमें नहीं लगता इसको 5 को देखते आंखें ही में इसके 5 का ही मल्टीप्लाई करा दो बस, क्योंकि तो यहाँ 5 का ही मल्टीप्लाई करने से सीधा आ जाएगा, क्योंकि तो 5 एक नंबर है। 5 5 जा 45, 5 4 जा 20, 22, 5 15 17, 5 5 6 पूरा बढ़िया, ये 5 बढ़। अब देखो हमारा यहाँ पॉइंट लगा था यहाँ, तो जब इसे उतारा तो हमारा यहाँ अगर पॉइंट लगाने में प्रॉब्लम ना, तो सीधा जो भी लिखता है उसे लिख दो, और तो यहाँ से काउंट करो 2 के बाद है तो 1 के बाद आ जाओ। और मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में हमेशा जितने भी डेसिमल है उसका जरा हाफ हो जाता है स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर में जितने भी हो तो उसका डबल हो जाता है। बस ध्यान रखो 2 प्लेस पे है तो 1 प्लेस है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हमारा कहाँ गया, बोर्ड साफ कर दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा 6099, 6 1, 6 0
99.61, ठीक, ये हमारा है तो भाई प्रोसेस 60996 लिख लेना। तो बस पेयर बना 1 2 3, तो 16 हमें कितने का स्क्वायर रूट स्क्वायर दे सकता है, एक तो हमारा 7 का दे सकता है 49, एक 8 का दे, एक हमारा 8 का दे सकता, तो 7 का 49 होता है, 8 का तो 64 होता है, तो 64 तो ज़्यादा, तो हमारा 7 का ही दे देंगे, तो 7 7 7 49, ये हमारा 11, हमारा 99। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता, बस यहाँ पे थोड़ा, अब 14 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 में देख ले रहे, ये हमारा देखो अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 का, तो हमारा ज़्यादा हो जाए, हमारा इतना कितना होना चाहिए अराउंड ये, तो ध्यान रखना है कितने बार जा सकता है, नंबर देखो फिगर आउट करो, तो 10 बार तो ये कितना होगा हमारा, ठीक है, तो हम देखते हैं 8 7 बार देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ अफर्ट थोड़ा सा अफर्ट करना पड़ेगा, 49 ये हमारा आ जाएगा, 28 और 4 ये हमारा आ जाएगा 32, 3 कैरी 7 और 10, अगर आप 8 का करते हैं तो हमारा 8 यहाँ आ जाएगा, 8 बन जाए 8 और यहाँ पे 8 4 32, 3 कैरी आ जाए तो हमारा ऊपर निकल जाए, तो हमारा यही बेस्ट है 7 का, तो 7 का देखेंगे, तो यहाँ इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा, बस इतना थोड़ा सा करने के लिए मदद है, बाकी यहाँ तो क्वेश्चन पहले और लास्ट में तो कोई दम नहीं रहता, बीच में थोड़ा दम रहता, तो 49 और ये हमारा 28 और 28 और 4 32, 3 कैरी 7 और 3 10, इसका माइनस करेंगे 0, ये हम माइनस करेंगे तो हमारा 170, हमारा 61, तुम्हारा 451 इतना आ जाएगा। अब वन देखा हमने, अब ज़्यादा नहीं देखना, या वन से होगा तो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा 9 से सीधा 9 से होगा, बस सीधा 9 से 981, ये हमारा आ जाएगा 36, 36 8 44 सॉरी 36, यहाँ देखो नंबर सही है क्या, ये 10 में से बन जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, ये 19 आ जाएगा, और ये हमारा 0 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है, ये 61, 9 9 9 9 या 81, 8 कैरी 36, ये 4, ये 4 ठीक है, बड़ा 61, कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक कर लेते, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, इसका फोर्टी नाइन हमारा 28 और 4 32 और ये हमारा 10, 8 का करके देखते हैं 64 और 6 32 और हमारा 38, 8 2 11, हाँ सॉरी ये चला जा रहा है 11, सॉरी 8 बार जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 8 बार जाएगा, ठीक है, ये हमारा 64 और ये तुम्हारा 32 और हमारा 6 38, हाँ ये थोड़ा जाएगा,
दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है? थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है? तुम्हारा ये 5, ये हमारा 1 बचेगा, और ये हमारा 6 बचेगा। तो यहाँ सीधा बन से ही जा रहा, क्योंकि बन है हमारा 5 6। तो कहीं भी मिस्टेक होता तो पकड़ में आगे आ जाता, तो हमारा ही बन जाएगा। तो जो हमारा स्क्वायर रूट किसका हुआ? 7 8 1 का, ठीक है? थोड़ा पानी पी लूँ मैं। चलो भैया, थोड़ा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, थोड़ा हो जाता है, रात में मना रहे थोड़ा। हाँ, पॉइंट लगाना भूल गए इसमें, थोड़ा पॉइंट आएगा 6 0 9 9 6 1। तुम्हारा जो पॉइंट लगेगा पीछे से एक डिजिट के बाद लगा देना, दो के बाद लगा तो एक के बाद लग जाएगा, ठीक है? नमस्कार, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। इससे सही थर्ड पार्ट, सेवन नाइन जीरो थ्री टू वन। पैटर्न वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मैट्रिक्स 7 9 0 3 2.1। बस फिर बनाओ, बना लिए। ये हमारा 8 72 से, कि हमारा 8 का अक्सर क्यों रखना है, ये 72 में आता है और 9 का लेंगे तो 81 इससे ऊपर आ जाएगा। तो 8 बार गया, ये ऐड करके लिख देंगे 16, यहाँ लिखोगे तो माइनस करोगे तो हमारा 6 और 0। तो अराउंड आई थिंक 5 बार देते हैं, 25 30 32 5, ज़्यादा हो गया तो आई थिंक 3 बार देते हैं, 9 18 और ये 4 बार भी देखते हैं, 16 25, ये हमारा 25 2 और 6, ये ज़्यादा हो रहा। हाँ, ये तो हमारा ये 3 बार ही जाएगा, 3। नाइन 18 3 और माइनस करूँ तो हमारा ये 4, 9 में से 1 वही 1, हमारा 2 1। नाइन सॉरी क्या करें, 6 6 1। आपको देखता हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, लास्ट में 1 चाहिए, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा। अभी पता चले 9 9 या 81, 9 6 जा 54 8 2 2 आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 2 आ गया तो पूरा ही सेम आ जाएगा,
लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ही हमारा आ जाएगा। तुम्हारा स्क्वायर रूट कितने का आएगा? 839। 2 के बाद है तो 1 के बाद लग जाएगा बस। लॉन्ग डिवीजन मैटर, आपको वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, वही पैटर्न आप बस यहाँ करना भैया। एक बार और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नाइन टू सेवन थ्री सिक्स नाइन। तो बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पॉइंटों वाला इसे करा देते हैं अच्छे से। तो इधर देखो ठीक है, नाइन टू सेवन थ्री सिक्स नाइन पेयर बनाएंगे, 1 2 3 पेयर बने तो 92 है। तो 92 किससे बनेगा? 89 से ही तो बनेगा, तो 9 से हमने बना दिया। 9 का स्क्वायर ही तो होता है 81, तो 9 का स्क्वायर हम 81 लिख रहे हैं। यहाँ यहाँ उसके नीचे बनेंगे ऊपर 3 देखो, तो हमारा 18 और हमारा कितना बचेगा? हमारा 11। 73 कितने बार जाना चाहिए करीब? ये जाएगा 7। यहाँ मल्टीप्लाई जो भी होगा उसका 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 4 40 और 5 और 4 6 6 ये हो जाएगा, और 6 6 5 48 4 और 6 10 हो जाएगा है। सॉरी 7 का 5 कैरी और 7 हमारा 6 से ही आ जाएगा। यह मल्टीप्लाई करके देख लेना ठीक है। 36 48 और 3 51 ठीक है। 6 5 11 ठीक है। माइनस कितना बचा हमारा? 7 5 हमारा हमारा कौन सा आएगा? 12। हमें 3 चाहिए तो हमें 9 चाहिए तो कैसे बन सकता? 3 इंटू ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पूरा कटेगा है ना। ये 6 6 और 1 3 तो हमारे ही पूरा क्या आ जाएगा? 9 6 3 दो प्लेस के बाद तो स्क्वायर रूट में 1 प्लेस के बाद आ जाता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर √2809 डिवाइड बाई 4096 वही प्रोसेस है, इसको हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। 2809 इसको ऐसे लिखना, पीछे से पेयर बनाने हैं। अब 28 हम देखते हैं किसकी स्क्वायर में आता है, किसी के स्क्वायर में तो उससे कम लिखेंगे कितना? 25 5 के स्क्वायर में आता है ठीक है। 5 यहाँ 5 यहाँ माइनस करेंगे 3 ये पूरा 09 ये 10। अब यहाँ 3 बार जाएगा साफ दिख रहा है, 9 आ रहा 3 बार सॉरी ठीक है। तो हमारा ये स्क्वायर रूट किसका हो गया? 53 का हो गया।
नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 4090 हेयर बनाते हैं। अब इधर देखो 40 है तो हमारा 6, ये पूरा पेयर हमारा आ जाएगा 12। अब हम देखें कितने का मल्टीप्लाई का 3 आता है, तो 3 3 6 का 12, फोर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 6 8 9 और 4 1 4, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 64। तो हमारा ये 64 का, ये मेरा 64 का निकलेगा, ये हमारा 53 का, तो इसका रूट ये कितने में इसका निकलेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, थर्ड, वन एट फोर नाइन डिवाइड बाई 5 7 7 6, वही हमारा तरीका, 1849 को राइट कर लिया, दो पेयर बनाए, डिवाइड दे दिया, अब कैसे भी कर लो तुम्हारे ये 16 4 4 टाइम से आएगा, तो ये हमारा 249 और 8। कितने बार हमारा जाएगा ये 3 बार, 3 3 9 थ्री हो जाए 24, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट क्या है 43 का आ गया। नीचे देखते हैं 5 7 7 6, दो पेयर। अब देखो 57 किसके नीचे आता, किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो उससे कम लगेंगे, तो ये 7 के में आ जाएगा 49, 7 बार, कितना बचेगा हमारा 8 7 6, भाई हमारा 14 6 आया, तो हमारा 4 की टेबल से पक्का ही आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 8 7 6 हमारा 4, तुम्हारा ये किसका बन जाएगा 74 बार। इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 बार इसमें ऐड करेंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 12 02 1 1 5 6, इसको ऐड करो 9 9 15 12 1 9 0, ठीक है ये इतना ही आ जाएगा। तो पहले कितना कितने में आएगा 2025, दो पेयर, 4 बार, 16 का आया, 4 टाइम्स जाएगा 8 फिर 25, और बताइए 5 के टेबल में आएगा 5 4 2 5, बस करने की जरूरत नहीं, लास्ट नंबर चेक करना है, मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ये किसका 45 का हुआ, 1 1 5 6, इसको देखेंगे तो ये हमारा 3 3 3 यानी कि 9 2 5 6, ये हमारा 6, ये 6 आया तो 4 से पक्का हो जाएगा,
2, 5, 6 और ये हमारा 34 का। तो ये सिंपल थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बस एक बार इसका पैटर्न समझ लिए, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ अगर प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पता नहीं खाना। ठीक है, क्वेश्चन 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थोड़े अच्छे हैं, थोड़े अच्छे बस वही हैं। क्वेश्चन लिखा है 921.16 प्लस 9.216, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 9216, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना 81, 9 बार 9 9, 1 बचेगा 6, 18, 7, ये बराबर बचेगा। ठीक है, माइनस कर दिया, इतना आ गया। अब कितने बार 6 कहाँ आता है पता है, 4 में ही आएगा, तो बस 4 का कर लीजिए, 4 2 या 16 6, अच्छा 6 है ये, 6 3 4 4 16, और 16 कहाँ आता है, और किसी भी टेबल में 16 आता है, और किसके मल्टीप्लाई से आता है, 4 4 आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा, 9 9 नहीं आता, 9 9 चाहिए, मल्टीप्लाई सही है, स्क्वायर रूट कुछ नहीं लग रहा, फाइंड द वैल्यू, चेक कर रहे थे कहाँ मिस्टेक आ रही है, सिक्स में भी आ जाता, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करो 1 1 1 तुम्हारा 96। तो अब हम देखेंगे कि ये देखो, ये मेरा जो स्क्वायर रूट निकला 9.6 का निकला, और फिर ऐसे ये 9.216, इसको अगर ऐड करेंगे तो देखो 18.816, इसको 9.6, 9.216, तो 6 1 8 और 19। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट भी सिंपल है, दो स्क्वायर रूट फाइंड करने बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा रूट 0.2116 प्लस 0.17 स्क्वायर रूट फाइंड करने बस और कुछ नहीं है सर, दोनों फाइंड कर लेते 2116 कितने का 4 60 5 16 ठीक है, और ये हमारा 8 फोर बार देख लेते हैं, यहाँ 6 फोर बोल बोल रहा 16 ये 6 बार जाएगा ठीक है, दो कन्फ्यूज 36 48 ये मेरा आ जाएगा 4 6 दूसरा देखते हैं 1 7 4 6 4 और का 16 1 6 4 ये 8 टू बार देखेंगे 2 बार जाएगा 1 6 4 ये हमारा 4 1 का, अब देखेंगे ऊपर वाला देखो 4 के बाद है 2 के बाद आ जाएगा ठीक है, प्लस 4 1 अब यहाँ लिख देते पूरे 0.41 0.41 अब ये बात देखो, ये देखो हमें बताया था आपने रूट में होता 4 के बाद होता तो 2 के बाद आ जाता, मैंने बार बार बताया था 4 के बाद 2 के बाद ये नंबर एक ही जैसे है, तो ऊपर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.87 डिवाइड बाय इसका माइनस करेंगे तो हमारा 0.05 इसको पॉइंट उठाएंगे तो 87/5 आंसर भी देख लीजिए। ये 42 है 8 आ जाएगा हमारा 2 और हमारा यहाँ पे 88/2 यानी कि 44 आ जाएगा ठीक है, गलती होती मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो भाई सॉरी, मिस्टेक हो जाता है सॉल्व करते, कोई सामने सॉल्यूशन तो रखते नहीं, कहीं मिस्टेक हो जाता है सॉल्व करने, हाँ अगर आप मिस्टेक बता देंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसे करेक्ट करा देंगे ठीक है, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, लोगों ने एक सलाह भी दी थी कि वीडियो पहले बना के रख लिया करो, कोशिश तो करूँ लेकिन बनाने की पहले रख लूँ सॉल्व करके रख लूँ, लेकिन होता नहीं टाइम ही नहीं मिल पाता है ताकि मैं इसको सॉल्व करूँ, जितने सॉल्व करूँगा उतने आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा, इस वजह से नहीं हो पाता है ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे हैबिट चली जाएगी ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।